एक बड़ा सा चौक है, सेंटर स्टेज उर्मिला मातोड़कर बैठी हैं घूंघट ढाले, और एक गाना प्ले होता है, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब ये गाना पहली बार सुना था, तब इसके मायने नहीं समझ आए थे, ज़रा भी समझ नहीं आए थे। फिर जब समझ आई तब तक इसे कई बार सुना, और फिर मान लिया कि एक ना एक रोज़ हमें भी डोली में बैठ के विदा होना है। इस गाने का एक सैड वर्जन है, वो जब भी सुना तो दुआ मांगे कि उसे किसी की हकीकत ना बनने देना भगवान। खैर, दिन महीने साल गुजरते चले गए और मुझे 23वां बसंत आ मिला, और फिर तुम माँ मिले, और तुम क्या मिले, ज़िंदगी सितार हो गई, रिमझिम मल्हार हो गई। हर मर्तबा ये सोचा कि तुमसे अलग अब ज़िंदगी और हो भी क्या सकती है, क्या होगी भी कभी। उस शुरुआती दौर में तुमसे इतना प्यार मिला कि मुझे यकीन नहीं आया ये मेरी ही ज़िंदगी है। तुम जैसे बहार बन के आए थे, तुम जैसे सितार बन के आए थे। ख्वाहिशें मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कोई ड्रीम लैंड सा चल रहा है, कोई फैंटेसी लैंड सा चल रहा है। तुमसे इतना प्यार मिला मुझे कि सारी उलझनें, सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द, सारी परेशानियां हवा हो गई। उस एक खुशी के आगे सब कुछ फीका लगने लगा, कमज़ोर लगने लगा। मेरे जीवन में इतना कुछ नया भरा तुमने। मैंने रोड साइड पर पहली बार छोले कुलचे भी तुम्हारे साथ खाए थे। मैं उतना शाय, उतना रिजर्व थी कि बहुत सारी चीज़ें थी जो तुमसे ही सीखी मैंने। चिकन लॉलीपॉप भी पहली बार तुम्हारे साथ खाई, छोले कुलचे भी पहली बार तुम्हारे साथ खाए, सोडे वाली शिकंजी भी तुम्हारे साथ पहली दफ़ा भी। तुमने बहुत कुछ दिया मुझे। खैर, उम्र बढ़ती जा रही थी और उम्र के साथ साथ प्यार गहराता जा रहा था, और मन में घर संसार बसाने की ख्वाहिशें घर करने लगी थी। हम 23 से चल रहे थे साथ में, और हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ता जा रहा था। वो फिर से एक बार गुनगुनाया वही गाना, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, और ये दोहराने का हौसला भी मुझे तुम ही से आया था। हम दोनों हमारे रिश्ते को लेकर कभी सीक्रेटिव नहीं रहे थे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे वाली तर्ज पे चल रहे थे। मैंने मेरे छोटे से घर में तुम्हें स्वीकृति दिलाई, और तुमने अपने बड़े से परिवार के हर सदस्य से मुझे बुलाया, और हर एक सदस्य को खुली बाहों से स्वीकार लिया मैंने। अब वो रिश्ते सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, अब वो रिश्ते हमारे थे, और रिश्तों को सहेजना मैंने अपनी माँ से बखूबी सीखा था। मैं हर रिश्ते को निभाना चाहती थी, और जितना मैं जानती हूँ मैंने निभाया भी, मैंने कहीं कोई कमी नहीं आने दी। ये सवाल तुम सामने आकर, सामने खड़े होकर कभी करोगे तो मैं जवाब दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था, लाइफ किसी सूरज बढ़दाता की मूवी जैसी हो रखी थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बट उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे दिन ढलते हैं, और मेरे भी ढले, अच्छे दिन ढले, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में घमासान शुरू हो गया। और मैंने ये सोचा था कि तुम्हारी सफलता का ना हिस्सा ही तुम्हारे संघर्ष का हिस्सा मुझे ज़रूर बनना है, क्योंकि वो नहीं किया तो ज़िंदगी में शायद खुद को जवाब नहीं दे पाऊँगी कि तुम्हारा साथ तरीके से निभाया भी था या नहीं। तुम्हारा सारा वक्त, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारे सपनों में बट गया, और मेरे हिस्से फिर से अकेलापन और अंधेरे आ गए। तुम गुस्साए से, झल्लाए से रहने लगे, और मैं पहले से ज़्यादा चुप होती चली गई। उम्र बढ़ रही थी, और उम्र के साथ साथ हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह की चिंताएँ बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ बढ़ गया, और घटते घटते प्यार घटता गया। मेरी तरफ से बढ़ रहा था, तुम्हारी तरफ से घट रहा था। मैं बैलेंस बनाने की कोशिश में लगी रहती थी, घुलती रहती थी रात दिन कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक है, आप सच से कितना भाग सकते हो, अपना मन तो जानता ही है ना कि क्या है कैसा है। मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बच्चा थी, और मेरी शादी मेरी मम्मा के लिए, मेरे भाई बहन के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती। एक कभी ना ख़त्म होने वाले सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसका कभी चुप रहकर तो कभी चिल्लाकर मैंने जवाब दिया घर पर। उनको यह यकीन दिलाया कि तुम हो, और शायद खुद को भी यकीन दिलाती रहती कि तुम हो यार, तुम हो। ऐसा सा हो गया था ना, जैसे कि मतलब मैं ही दोनों हिस्से मैं ही निभा रही हूँ। मैं अपने हिस्से का प्यार भी खुद कर रही हूँ, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी खुद ही कर रही हूँ, दोनों ही निभाती जा रही हूँ। तुम मेरे तरफ से पूरी तरह फ्री हो, तुम देखो अपना करियर, अपनी नौकरी, मैं बाकी सब देख लूँगी। और करियर की बात करूँ तो मेरा करियर भी मैंने तुम्हारे अनुसार आकार देने की कोशिश की उसको, और आखिर में वो भी निराकार रह गया। पर ठीक है, नियति का खेल है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे सवाल बढ़ने लग गए, और मेरे पास जवाब कम होने लग गए। तुम पहले से ज़्यादा व्यस्त हो चले थे, और
हमारे पास वक्त ही नहीं होता था. कहने को हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और लॉन्ग डिस्टेंस भी ऐसा जहाँ दो दो साल हम देखे नहीं एक दूसरे को, छः छः महीने रूठे रहे, आवाज़ नहीं सुनी, पर फिर भी हम रिलेशनशिप में थे. आज सोचती हूँ तो लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं, नेम से एक रिलेशनशिप जी रहे थे हम, जहाँ सिर्फ मैंने मान रखा था कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो या नहीं हो, कभी थे या नहीं थे, मुझे पता ही नहीं है अब. खैर ठीक है, ज़िंदगी है, चलता है. वक्त बढ़ता गया और मुश्किलें बढ़ती गई. तुम अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अपने घर में इतना उलझ गए कि तुम भूल गए कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरी बीमारियां भी बढ़ रही थी. मेरे चांसेस दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे थे, मैं कुंज होती जा रही थी दिन ब दिन. एक रोज़ तुम्हारे पास बैठ के मैंने मैगडी में हम बैठे थे और तुम्हारे साथ बैठे मैंने एक सवाल किया तुमसे कि अगले 5 साल में तुम क्या क्या देखते हो, और तुमने जो जवाब दिया उसमें मुझे मेरी अहमियत समझ आई. तुम्हारे उस 5 ईयर प्लान का हिस्सा ही नहीं थी मैं. 28 साल की, तुम 28 साल के, और आने वाले 5 सालों में मेरा जिक्र तक नहीं. मतलब ऐसा लगा जैसे तुम्हारी हथेली पे मैंने दिल रखा और तुमने उसे यूं नहीं छोड़ दिया. पर ठीक है, हंस के रह गई, हंस के रह जाती हूँ, आदत है, हंसना सेहत के लिए अच्छा भी है. हंसे जा रही हूँ. बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं ज़िंदगी ने वैसे, पर कई बार चूक हो जाती है. मेरी चूक ये रही है कि मैं हद से ज़्यादा भावुक रही हूँ, हद से ज़्यादा उलझ जाती हूँ चीज़ों में, और हर चीज़ एक्सट्रीम पे जाके करती हूँ. अगर प्यार किया है तो एक्सट्रीम पे किया है. मतलब प्यार संसार का पार्ट नहीं है भाई, संसार है मेरा. तुम मतलब तुम मेरा सब कुछ थे, मेरा संसार ही तुम हो गए थे. तराजू के दो पार्ट, एक तरफ तुम, एक तरफ घर परिवार यार दोस्त सब कुछ, और तुम्हारा वाला हिस्सा फिर भी भारी. इतना इतना ज़रूरी हो गए थे तुम. और तुम मतलब जैसे दिन ब दिन जैसे काटते नहीं किसी अंग को, धीरे 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 सड़ गया है कुछ, वैसे मैं कटती जा रही थी. पर ठीक था, मैं संभालने की सहजने की हर संभव कोशिश कर रही थी, और कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम होती दिख रही थी, पर मानना नहीं जाती थी. और कितना भी मन सच से भाग ले, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम गलत हैं, या हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है. एक सिंगल मदर को अपनी 29 साल की बेटी को ब्याहने की बहुत चिंता थी, और मैंने उन्हें उस चिंता में रात दिन घुलते देखा है. मैं फिर भी उन्हें गलत और ख़ुद को सही कही जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे तुमसे उतना ही प्यार है, उतना ही प्यार रहेगा. और धीरे धीरे ये वाक्य भी फीका पड़ने लग गया था. मैं रात और दिन खुद को ये एहसास दिलाती रहती थी, ये यकीन दिलाती रहती थी कि सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा. पर सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ कभी भी ठीक नहीं था, क्योंकि जिस दौर में हम शुरू होते हैं ना, उस दौर का अगर 50% ना सही तो 30%, 20%, 10% भी आगे लेकर चलते हैं ना, तो हो जाती है चीज़ें सही. तो निभा सकते हैं कोई रिश्ता, क्योंकि एफर्ट दोनों तरफ से लगने होते हैं. यहाँ तो तुम्हारे से का एफर्ट भी मैं ले रही थी, मेरे से का एफर्ट भी तुम ले रहे थे. 7 साल में हम मुश्किल से 70 बार मिले, और उसमें से भी 70% एफर्ट्स मेरे थे, क्योंकि तुमसे वो 6 घंटे की दूरी तय नहीं होती थी, और एक वक्त बाद तुमने मुझे भी वो दूरी तय करने नहीं दी. तो ठीक है, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है यार, मिला जुला करो. जो भी साथ बैठे ऐसे ही साथ रहो, मिला जुला करो, बहुत ज़रूरी है मिलना जुलना. क्योंकि कहने भर से प्यार नहीं होता, प्यार जताना होता है, एहसास दिलाना पड़ता है, बार बार दिलाना पड़ता है, यकीन नहीं आता नहीं तो लोगों को. वक्त गुजरता चला गया, मैं ख्वाहिशों से खाली होती चली गई. तुम थे, तुम्हारा करियर था, तुम्हारी नौकरी थी, तुम्हारा बिजनेस था, मैं थी, मेरा अकेलापन था, मेरे अंधेरे थे. तुम्हारे होते हुए भी मैं नितांत अकेली थी. अपने आप को यार दोस्तों में इतना मशगूल कर लिया मैंने कि तुम्हारी कमी ना खा ले, पर फिर भी अकेले बर्थडेज़ मना रही थी, अकेले एनिवर्सरीज मना रही थी, अकेले मूवीज़ जा रही थी, क्योंकि तुम अवेलेबल ही नहीं थे. तुम इतना उलझ के रह गए अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में, कि तुम भूल गए मैं भी उसका एक हिस्सा थी कभी. खैर ठीक है, शादी किसी रिश्ते का निष्कर्ष नहीं होती है, मगर अगर कोई हम रिश्ता बनाते हैं तो उसे तरीके से निभाना ज़रूर चाहिए. अगर आप किसी रिश्ते को अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे रिश्ते को जीने का. खोखले रिश्ते कहीं आधार नहीं लगाते. और ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपके साथ जो उस रिश्ते में है वो अंदर से खोखला होता जाए. दिन रात, रात दिन चल रहा है, अंतर्द्वंद इतना चल रहा है कि अंदर से सब कुछ सुपड़ा साफ हो रखा है. पर ठीक है,
तुमसे अलग होने का फैसला मैंने लिया क्योंकि क्योंकि तुमने वो हिम्मत कभी दिखाई नहीं, और मैं उस इंतज़ार में इतना उलझ गई और इतना धस गई अंदर तक कि धीरे 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 सारी ख्वाहिशें मर गई। मेरा दिल जानता है जब मम्मा को शादी के लिए चिढ़ के चिल्ला के मना करती हूँ तो कैसा लगता होगा। आखिर तो मैं भी हार्ड मास का इंसान थी, बहुत कुछ चाहा था मैंने तुमसे, बहुत कुछ चाहा था, पर तुम अवेलेबल ही नहीं थे, चाहते पूरी ही नहीं हो पाई कभी। अब उतना हौसला नहीं और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उतने सालों का साथ, उतने उतनी आत्मीयता से साथ किसी का स्वीकार कर सकूं, या उतना हौसला नहीं है कि सपनों की एक नई झालर फिर से अपने टूटे दिल की दीवारों पर टांग सकूं। जिस गाने को सुन के हर मर्तबा ये दुआ की थी कि ये किसी की हकीकत ना हो जाए, तुमने उसे मेरी हकीकत बना दिया। हाँ, मेरा टूटा था दिल वो उसकी झनकार थी, सारा वो रंग था मेरे खूनी दिल का। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस और मेरा क्या? मेरे हिस्से तो मेरे हिस्से के तुम भी नहीं आए। इंतज़ार आया दुनिया भर का, इंतज़ार करना कराना सब कुछ ठीक है, अपनी जगह लाजमी है, मगर कितना और कब तक और कितना खोखला। मैं 10 साल और रुक सकती थी अगर तुम कहते कि रुक जाओ, तुमने रोका ही नहीं, तुमने थामा ही नहीं। हमारे बीच एक कहासुनी हुई और गुस्से गुस्से में बात नहीं की, सोचा 2 दिन बाद कॉल करोगे, सोचा हफ्ते भर बाद कॉल करोगे, 10 दिन गुजर गए, महीना भर गुजर गया, फिर समझ आया कि नहीं अब वो कॉल नहीं आएगा, और फिर फैसला लिया कि बहुत हुआ, खुद के साथ और खिलवाड़ नहीं, ठीक है जो भी है चला लेंगे, काम चला लेंगे। और फिर तुमसे अलग होने का फैसला तुम्हें भी सुनाया, तुमने ना तो कोई सवाल किया ना ही कोई कोशिश की कि मैं अपना फैसला बदल दूँ, तो मैंने भी स्वीकार लिया कि ठीक है यार चलेंगे, चला लेंगे। तो इस तरह हम अलग हो गए, पर तुम जाते जाते बहुत कुछ ले गए मुझसे, तुम मेरे सपने ले गए, मेरी उम्मीदें ले गए। आज मैं हूँ, बहुत खुश हूँ जहाँ भी हूँ, पर आज मन नहीं है शादी करने का, आज मन नहीं है किसी के साथ को उस कदर स्वीकार करने का, अपना 100% फिर से किसी को देने का। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद फिर कभी प्यार ही नहीं हुआ मुझे, मैं फिर से प्यार में हूँ और इस कदर प्यार में हूँ कि उसके जिक्र भर से रोम रोम मुस्कुराता है। मगर अब उम्मीद नहीं है, मगर अब बदले में प्यार की ख्वाहिश नहीं है, मैं अब सपने देखना छोड़ चुकी हूँ, मुझे आने वाला कल नहीं दिखता है और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। अब मेरा कोई प्लान नहीं है, ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है मैं चले जा रही हूँ, अभी लेखिका हो गई हूँ, ठीक है ये भी चला लेंगे, ये दौर भी चलने दो। तुम्हें भी लिखती थी, अब तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर चुकी हूँ, अब तुम उस लायक नहीं लगते हो। मेरा दुआ सलाम तुम याद रखना, मैंने मान लिया है कि कुछ दिनों बाद मैं किसी सोशल साइट पे तुम्हारे साथ लाल जोड़े में खड़े किसी सुंदर सी लड़की को तस्वीरें खिंचाते देखूँगी, थोड़ा सा बुरा लगेगा पर ठीक है वो भी चला लेंगे। तुम्हें दिल से दुआ ही दूंगी, बहुत बहुत नेक इंसान हो तुम, जैसे हो वैसे रहना, अपने घर को सहेजना, अपने सारे रिश्तों को संभालना, हमारे बीच जो भी बीता उसे एक अच्छी याद बनकर अपने दिल में सहेज लेना, और फिर किसी की उम्मीदें मत तोड़ना। और हाँ, स्टैचू सर्कल की वो म्यूज़ियम वाली कॉर्नर वाली सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठकर कभी चॉको चिप्स कॉफ़ी पियो तो मुझे याद मत करना। थैंक यू।